पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना को लेकर मजदूरी करने वाले श्रमिकों को घर बैठे एक हफ्ता हो गया, जिसको देखते हुए उनके सामने परिवार पालने की समस्या उत्पन्न हो गई। इसी को देखते कई सामाजिक संगठन और संस्थाएं, सामाजिक सेवी, पुलिस प्रशासन, जन सेवा करने का निर्णय लिया। संस्था आराधना के संयोजक संजय वैष्णव, नगर पालिका अध्यक्ष कविता वैष्णव, धार विधायक नीना वर्मा, सभी सदस्यों सहित कई सामाजिक संगठन और कई समाज सेवी भी स्वयं से खाना बांट रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पीछे नहीं है। पीथमपुर और बगदून सागर थाने का पुलिस बल भी लोगों की सेवा करने में लगा हुआ है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा भी सहयोग कर रहे हैं। सामाजिक संगठन और समाज जन बिना प्रचार प्रसार के समाज सेवा में लगे हैं। सब्जी ठेले वाले भी उचित दर की सब्जी बेच रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। दूध डेयरी और किराना व्यापारी भी उचित दर पर सामान बेच रहे हैं। धार कलेक्टर द्वारा स्टॉक मांग लेने से मुनाफाखोरों में खलबली मच गई। कुछ दूध देने वालों के रेट भी बढ़ा दिए गए, उनकी भी जांच हो रही है। फुटकर व्यापारियों ने तो तेल के डिब्बे पर 100 से 80 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। प्रशासन को जानकारी मिल चुकी है, अब इन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इनको लेकर भी इनमें किसी प्रकार का भय नहीं है। समाज सेवा की जगह मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। सभी हम उनको घर पर पहुँचा सकते हैं कि हम लोग और मैं आप चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूँ, प्लीज आप लोग अपने आपको कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आप सब लोग घर में रहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।